और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली खबर का। एक बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आपको बता दें, जहां कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बड़ी खबर और हैरान करने वाला पूरा मामला, जहां ऑटो में अधेड़ ने छात्रा से छेड़छाड़ की। हालांकि आपको बता दें कि मौके पर ही छात्रा ने अधेड़ को काबू किया और जमकर धुनाई उसकी मौके पर ही कर दी गई। सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है पूरे मामले को लेकर। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब बीच सड़क पर यह पूरा हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि अधेड़ ने कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और जिसके बाद ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। तेरे को तमीज नहीं भाई? तो सुना आपने किस तरह से पूरी घटना पेश आई है, क्या कहना है पीड़ित छात्रा का। हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा बातचीत और अपडेट्स के लिए। आकाश, कब की पूरी घटना बताई जा रही है और क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई हो पाई है? जी बिल्कुल, गुरुग्राम की अगर बात करें तो ये एक हफ्ते में दो वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। जो पहला जो वीडियो था उसमें एक जो महिला है वो एक कैब बुक करती है और उसके बाद जो है कैब ड्राइवर को पैसे देने से इनकार कर देती है। और वहीं अब ये जो दूसरा वीडियो ये वायरल हो रहा है, ये गुरुग्राम के एमजी रोड का बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें ये जो छात्र है ये यू कॉलेज की है और उनमें साथ ही ये लड़की है और इसके साथ जो ऑटो ड्राइवर है उसने छेड़छाड़ की कोशिश है। आरोप है कि जो अब ये ऑटो में बैठी थी तब जो व्यक्ति ऑटो चालक था वो इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और कहीं ना कहीं अश्लील जो बातें हैं वो इसके साथ कर रहा था। वहीं जब इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, तकरीबन 2 से 3 दिन पहले का ये वीडियो है, लेकिन हालांकि जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आया और गुरुग्राम पुलिस जो है वीडियो के आधार पे अब जो आरोपी है, जो युवक जिससे छेड़छाड़ की थी, उसकी गिरफ्तारी जो है जल्द करेगी। चलिए बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या कुछ एक्शन पूरे मामले में होता है वो देखना होगा।